क्या आपको व्हाइट हेयर के साथ एक्स्ट्रा टायर्डनेस भी फील होता है? क्या आपको अपने सर पे व्हाइट हेयर ही नहीं छोटे छोटे पिंपल्स भी नजर आ रहे हैं? क्या आपके सर के बाल ही नहीं आपके प्यूबिक हेयर में भी व्हाइट हेयर का इश्यू नजर आ रहा है? डोंट वरी, हो सकता है इन सिम्टम्स की वजह से ही आपके डॉक्टर आपके व्हाइट हेयर के प्रॉब्लम को पूरे रूट से ही रिवर्स कर सके। यस, आई एम बैक विद अ प्रॉमिस वीडियो ऑफ स्पेशल व्हाइट हेयर कॉजेज दैट कैन बी रिवर्स विद अ ट्रीटमेंट। तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट स्टार्ट द वीडियो। स्पेसिफिक थायराइड कंडीशन जैसे हाइपरथायरॉयडिज्म या हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से भी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होने लगते हैं जिससे प्रीमैच्योर व्हाइट हेयर हो सकते हैं। थायराइड हमारे गले के रीजन में एक बटरफ्लाई शेप्ड ग्लैंड होता है जिससे हमारे बॉडी में हार्मोन प्रोडक्शन एंड मेटाबॉलिज्म रेगुलेट होता है। ओवर एक्टिव या अंडर एक्टिव थायराइड फंक्शन से बॉडी में मेलानिन बनना कम हो जाता है जिसकी वजह से यू स्टार्ट सीइंग मोर व्हाइट हेयर। मेलानिन को समझने के लिए आई रिकमेंड यू टू प्लीज वॉच द पार्ट वन वीडियो। वाइटामिन हमारी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उसमें से एक वाइटामिन B12 है जिसकी डेफिशिएंसी से अर्ली एज में ही व्हाइट हेयर आने लगते हैं। वाइटामिन B12 डेफिशिएंसी इज एसोसिएटेड विद अ कंडीशन कॉल्ड परनीशियस एनीमिया। इसमें आपकी बॉडी इनफ अमाउंट ऑफ विटामिन B12 को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती। हमारी बॉडी को विटामिन B12 हेल्दी रेड ब्लड सेल्स के लिए चाहिए होता है जो ऑक्सीजन को हर सेल तक पहुंचाती है इंक्लूडिंग हेयर सेल्स। इसकी डेफिशिएंसी से हमारे हेयर सेल्स वीक हो जाते हैं और हमारा मेलानिन प्रोडक्शन भी कम हो जाता है। अकॉर्डिंग टू 2012 डेटा कलेक्शन स्टडी इन द जर्नल ऑफ ब्लड मेडिसिन, परनीशियस एनीमिया एक ऐसा रेयर कंडीशन है जो जनरली पॉपुलेशन में लगभग 0.1% लोगों को ही होता है। यूजली ये 60 ईयर से ओल्डर लोगों में सबसे ज्यादा होता है। इन मैनी केसेस वेगन या वेजिटेरियन को भी विटामिन B12 की डेफिशिएंसी रहती है क्योंकि उनके डाइट में नेचुरली मीट या डेयरी इंक्लूडेड नहीं होता जो कि विटामिन B12 का सबसे बड़ा डाइटरी सोर्स है। यूजली अगर आपको बहुत कम एज में व्हाइट हेयर आने लगे एंड इसका कोई भी इंडिकेशन आपके फैमिली में भी नहीं है एंड आपके डाइट में न्यूट्रिशन की कमी की वजह से भी नहीं है तो आपको डॉक्टर से चेकअप जरूर करवाना चाहिए ताकि वक्त रहते ही इस डिसऑर्डर को ढूंढा जा सके। क्योंकि इस केस में इंजेक्शन से विटामिन B12 या ओरल विटामिन B12 का डोज शुरू करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एंड ट्रीटमेंट शुरू होते ही आपको अपने हेयर हेल्थ एंड ओवरऑल एनर्जी में इमीडिएट फर्क दिखने लगेगा। व्हाइट पीड्रा एक तरह का फंगल इन्फेक्शन है जो मेनली हेयर फॉलिकल्स में ही होता है। ये सिर्फ सर के बालों को ही नहीं बट प्यूबिक हेयर को भी व्हाइट अपीयरेंस दे सकता है। इस केस में यीस्ट की ओवरग्रोथ की वजह से हेयर शाफ्ट पर व्हाइट या क्रीम कलर के नोड्यूल्स फॉर्म हो जाते हैं। ये फंगस आपकी आईब्रोज, आईलैशेस, प्यूबिक हेयर या हेड पर भी हो सकता है। ऐसे केसेस में आपके डॉक्टर आपको देखकर ही पहचान सकते हैं कि यह इन्फेक्शन हुआ है या नहीं एंड इस केसेस में यू शुड अंडरस्टैंड कि ये व्हाइट हेयर नहीं, ये एक इन्फेक्शन है जो इजिली क्योर हो सकता है अंडर हेयर स्पेशलिस्ट। अगर आपको व्हाइट हेयर थायराइड डिसऑर्डर, विटामिन B12 या व्हाइट पीड्रा की वजह से हुआ है तो ये रिवर्सिबल है। अकॉर्डिंग टू वन स्टडी अगर थायराइड से व्हाइट हेयर आए तो रीपिगमेंटेशन पॉसिबल है हार्मोन थेरेपी ट्रीटमेंट से। इस स्टडी को पी रेडेंडो एंड एम गजमान ने 2007 में कंडक्ट किया था एंड इसके रिजल्ट को उन्होंने उसी साल नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन में भी पब्लिश किया। ये एक्सपेरिमेंट माइस पे किया गया था जिनको T3 हार्मोन को एथेनॉल में डिजोल्व करके 10 डेज तक लगाया गया था। एथेनॉल एक अल्कोहल बेस है जो आजकल आपको सैनिटाइजर में भी मिलता है। हर 10 दिन में हमारे बाल एक्चुअली ग्रोथ एंड मेच्योरिटी फेज से गुजरते हैं। ये बेसिकली आप ये समझ लीजिए कि ये हमारे बालों का बचपन एंड देन एडल्टहुड फेज है। लेकिन ये देखा गया कि इन माइस पे T3 हार्मोन के एप्लीकेशन के बाद इनके बाल एडल्टहुड से बचपन के फेज में रिवर्स हो गए। सारे माइस के बालों के कलर रिवर्सल में टोटल 15 डेज लगे। इससे ये प्रूव हुआ है कि थायराइड हार्मोन के इम्बैलेंस की वजह से अगर आपको व्हाइट हेयर की प्रॉब्लम होती है तो T3 हार्मोन के टॉपिकल एप्लीकेशन से इस प्रॉब्लम को काफी हद तक रिवर्स किया जा सकता है। अगर परनीशियस एनीमिया या ओवरऑल विटामिन B12 की डेफिशिएंसी की वजह से आपके बाल सफेद हो रहे हैं तो आप विटामिन B12 इंजेक्शन शॉट्स
या पिल्स ले सकते हैं जिससे आपकी डेफिशिएंसी भी ठीक हो सकती है। इससे हेयर फॉलिकल्स का हेल्थ भी इंप्रूव हो जाएगा एंड आपके हेयर नेचुरल कलर पे वापस आ जाएंगे। व्हाइट पिएड्रा भी एंटीबायोटिक एंड एंटी फंगल ट्रीटमेंट करने से फुल्ली कंट्रोल किया जा सकता है। इस पर्टिकुलर फंगल इन्फेक्शन से अगर आपको व्हाइट हेयर हुआ है तो वो सारे ही फुल्ली रिवर्सिबल है। तो इन केस आपको ऐसा लगता है कि आपके व्हाइट हेयर सिम्टम्स जेनेटिक नहीं, आप स्मोकिंग नहीं करते एंड यूजुअली आपकी लाइफ में लो स्ट्रेस है, तो आपको डेफिनेटली एक बार डॉक्टर चेकअप करवाना चाहिए। हो सकता है कि आपके व्हाइट हेयर का अंडरलाइनिंग कॉजेस फुल्ली ट्रीटेबल हो। इन सम केसेस आपको व्हाइट हेयर के साथ कोई दूसरे सिम्टम्स भी अगर दिखे, जैसे थायराइड के केसेस में गले का इन्फ्लेमेशन एंड बालों का हद से ज्यादा झड़ना, विटामिन B12 डेफिशिएंसी के केस में नेल्स का बहुत वीक हो जाना या हल्का व्हाइटिश या येलोइश कलर का दिखना एंड व्हाइट पीड्रा के केस में सर के बालों में आईलैशेस, आईब्रो या प्यूबिक हेयर में व्हाइट नोड्यूल्स या पिंपल्स टाइप का ग्रोथ का दिखना। ये सारे सिम्टम्स के दिखने के साथ ही आपको इमीडिएट डॉक्टर अटेंशन की जरूरत है। हो सकता है कि इस इंफॉर्मेशन के साथ आप में से कुछ लोगों को अपने व्हाइट हेयर प्रॉब्लम का परमानेंट सॉल्यूशन मिल जाए। Definitely let me know what you think about your white hair condition. I will be very interesting to hear your personal white hair story. If you have any story, then please let me know in the comment box below. I will be back with more such interesting content very soon. Till then, stay safe, be happy.